दिया मैंने। हम कह रहे हैं ना बाबूजी, आपने नहीं दिया है। अरे भाई ठहरिए, क्यों लड़ रहे हैं आप? क्या बात है बाबूजी, हमने इनको 1 किलो सेब की थैली दी, पर ये कहते हैं कि इन्होंने 100 रुपए दिए, लेकिन नहीं दिए बाबूजी। ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी बात पे मत आना, चोर है ये। जब मैंने इसको 100 रुपए दिए ना, तब इसने मेरे को सेब की थैली दी है। अरे बाबूजी, धंधे की कसम, हमको इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। दिया एक बार बोला ना? नहीं दिए बाबूजी। सच और झूठ का फैसला तो खुदा ही करेगा, ये तो खुदा ही जानता है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, सबके दिलों से वाकिफ है, सच और झूठ को खुदा जानता है। यादा मैं आपको 100 रुपया अपनी जेब से दे देता हूँ, आपको आपका 100 रुपया मिल जाएगा, तो इसमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भाई साहब, आपने 100 रुपया दे दिया है, आप चले जाइए, आपका 100 रुपया आ गया है, आप जाइए। नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह जानता है कौन झूठा है कौन सच्चा है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, दिलों के हालों से वाकिफ है। अरे आप ठहर गए, आप गए क्यों नहीं, क्या बात है? दरअसल मुझसे गलती हो गई, मैंने उस फल वाले को 100 रुपए दिए ही नहीं, मैंने उससे झूठ कहा था। आप अपने ये 100 रुपए रख लीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मैं समझा नहीं। आप मुझे उस झूठ के लिए माफ कर दीजिए। नहीं आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको तो उससे माफी मांगनी चाहिए जिसका आपने दिल दुखाया है, और उसको चोर तक भी आपने कह दिया है। चलो आप उससे माफी मांगेंगे, मैं आपको लेके चलूं? हाँ चलिए। भाई ये आपसे कुछ कहना चाहते। जी बाबूजी। भाई साहब, मैंने दरअसल आपसे झूठ बोला था, मैंने आपको 100 रुपए नहीं दिए, मैंने इनके 100 रुपए इन्हें लौटा दिए, और मैंने आपको चोर भी कहा था, आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बाबूजी, आप जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है, और अपनी गलती को मान लेने वाला ऐसा इंसान भी पहली बार देखा है। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने आपको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्योंकि माफ करने वालों को खुदा दुनिया और आखरत दोनों जहान में इज्जत अता करता है। जैसा कि हदीसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बात आई है कि जो शख्स अपने ऊपर होने वाले किसी जुल्म को माफ कर दे, तो खुदावंद आलम उसे उसके बदले दुनिया और आखरत में इज्जत अता फरमाएगा। यकीनन अगर कोई हमसे गलती कर दे, तो हमें उसकी गलती को माफ कर देना चाहिए, इससे हमारा खुदा और रसूल खुश